नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। आज दोस्तों हम आपको प्रेजेंट करने वाले हैं 27 फेब के जो है फर्स्ट सेक्शन के रिव्यू, और एग्जाम में जो जो भी क्वेश्चन आए थे, जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं हमें, उसके मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि मैं हमेशा प्रोवाइड कराता हूँ। उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाए गए हैं वहाँ से कितने क्वेश्चंस फंसे हैं, ठीक है? तो ये रिव्यू भी बहुत ध्यान से देखेगा और इससे संबंधित क्वेश्चंस भी देखेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको रिपीट किए गए। जैसे एक क्वेश्चन मैं बता दूँ आपको, 1857 की क्रांति, राष्ट्रीय क्रांति किसने कहा था? वीर सावरकर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आई थिंक 4 या 5 सेशन पहले ही ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। उसके अलावा दोस्तों मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस के लिए आप अकेडमी एप्लीकेशन जो है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे आपको अनलॉक कोड मांगेगा, तो अनलॉक कोड में आप टाइप करेगा vimdis@14। vimdis@14 अनलॉक कोड है, जिसको टाइप करके आप उसको ओपन कर सकते हैं और मेरी फ्री क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं, जहां पर डे मेरी फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपको कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ भाई? 26 मार्च 1971। अब देखिए इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे अभी हमको ज्वाइंट मिलिट्री साइज पूछा गया था, आगे भी पूछा गया जाएगा। तो भारत के साथ अगर पूछा जाएगा तो संप्रीति, ध्यान रखिएगा संप्रीति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ होती है, तो वो भारत और बांग्लादेश। उसके अलावा बोंगा सागर भी पूछा जाएगा, तो बोंगा सागर भी किसके साथ होता है? वो भी भारत और बांग्लादेश के साथ होता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। बांग्ला बंधु करके बांग्लादेश ने अपना पहला सेटेलाइट भी लॉन्च किया था, ये भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा ये मार्टियर्स म्यूजियम भी बनाएंगे बांग्लादेश, ये ध्यान रखिएगा, भारत के लिए बांग्लादेश में, ये भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि यहाँ की पीएम कौन है, तो वो हो जाएंगे शेख हसीना, जो कि आपको पूछी जा सकती है। कई बार पूछा गया आपको शेख हसीना यहाँ के पीएम हो जाएंगे, और यहाँ का प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अब्दुल हामिद। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पूछा जा सकता है। और पूछा जाएगा कि भारत बांग्लादेश पहला फेस्टिवल अभी कहाँ रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया, कहाँ पे जो है कि मनाया गया, तो वो हो जाएगा आपका अगरतला में। ध्यान रखिएगा फेयर जो है, मेला, ये फेस्टिवल जो त्यौहार लगा था वो कहाँ पे लगा था? अगरतला में पूछा जा सकता है। भारत में कितने स्तर की पंचायतें हैं? तो ध्यान रखिएगा भारत में 3 टीयर की पंचायत चलती है, यानी 3 स्तरीय पंचायत चलती है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 3 टीयर पंचायत चलती है भारत में, जिसका क्रेडिट किसे जाता है? तो वो जाता है बलवंत मेहता समिति को। किसको जाता है भाई? तो वो जाता है बलवंत मेहता समिति को, 3 टीयर का, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पूछा जाएगा भाई कहाँ पे स्टार्ट करी गई थी ग्राम पंचायतें, तो वो स्टार्ट हुआ था आपका 1959 में, ठीक है, कहाँ पे? नागौर में। ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्टार्ट किया गया था? नागौर जिले में, राजस्थान में। उसके अलावा 2 स्तरीय जो है कि पंचायतें भी लॉन्च करी गई थी, जो कि चलाई नहीं गई, वो अशोक मेहता समिति को क्रेडिट जाता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि 2 स्तरीय जो है कि पंचायत किसने स्टार्ट करी थी, तो वो स्टार्ट करी थी अशोक मेहता समिति ने, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 3 स्तरीय पूछा जाएगा तो बलवंत मेहता, 2 स्तरीय पूछा जाएगा तो अशोक मेहता। उसके अलावा दोस्तों ग्राम पंचायत को किस आर्टिकल में रखा गया है? तो वो रखा गया 40 में, और पंचायत की पंचायतों को पूछा जाएगा तो वो आपका 243 से शुरू होता है, उसके भागों में रखा गया, ठीक है। आवास सारणी में पहले समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो वो छारी धातु, ध्यान रखिएगा। आवास सारणी पूछा जाएगा कि पीरियोडिक टेबल की खोज किसने करी है, तो वो क्रेडिट जाता है मेंडलीव को, ध्यान रखिएगा पीरियोडिक टेबल अगर पूछा जाता है, जबकि वहीं आधुनिक यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछा जाता है तो उसने किसने खोज करी है? वो करी है मोस्टले ने। मोस्टले ने एटॉमिक नंबर की भी खोज करी है, ये भी पूछा जाता है। और मोस्टले के पीरियोडिक टेबल में पूछा जाएगा कितने एलिमेंट्स थे, तो मोस्टले के पीरियोडिक टेबल में हो जाएगा 118, जिसमें 18 ग्रुप हो जाएंगे और 7 आपके हो जाएंगे पीरियड्स। पीरियड्स ध्यान रखिएगा, पहले पीरियड में दो आपके एलिमेंट होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पंचवें में 18, छठवें में 32 और सातवें में रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उसी तरह अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले जो है कि पीरियडिक टेबल का क्लासिफिकेशन किसने किया, तत्वों का वर्गीकरण अगर आप मान लीजिए पूछा जाएगा कि एलिमेंट्स का जो है क्लासिफिकेशन किसने किया, तो डॉबराइनर ने किया था, त्रिक का नियम दिया था, मैंने आपको बताया डॉबराइनर ने किया था, ट्रायड लॉ दिया था। ट्रायड लॉ किसने दिया है भाई? डोबराइनर ने। अगर वहीं पूछा जाएगा कि किसने ऑक्टेव लॉ दिया यानी अष्टक का नियम किसने दिया, तो वो दिया न्यूलैंड ने, यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, न्यूलैंड ने दिया भाई अष्टक का नियम, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए पूछा गया था कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज कॉल्ड, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हिस्टोलॉजी। वहीं अगर पूछा जाता कोशिका के अध्ययन को, तो आपने देखा होगा आज जो है कि कोशिका का चैप्टर भी डाला गया है, उसको देख लीजिए, बहुत अच्छा चैप्टर है, पूरा डिटेल दिया गया आपको कोशिका के बारे में, सारी संबंधित चीजें। तो कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं भाई? तो इसके अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। जबकि अगर आपको पूछा जाएगा लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हम हेपेटोलॉजी कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं।
1 MB कितने के बराबर होता है भाई? तो 1 MB होता है 2024 KB के बराबर। ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। कभी MB पूछ दिया जा रहा है, कभी आपको GB पूछ दिया जा रहा है, कभी आपको जो है TB पूछ दिया जा रहा है। तो यही यूनिट्स आपको पूछी जा रही है। उसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर से आपको एक अब्रिवेशन और एक क्वेश्चन मिल ही रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इरेडा का पूर्ण रूप, तो इरेडा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, इरेडा के अगर करंट में चेयरमैन पूछे जाएंगे तो वो कौन हो जाएंगे? सुभाष चंद्र खूंटिया। ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र खूंटिया कौन हो जाएंगे भाई? ये इरेडा के हेड हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और ये भी मैंने आपको बता रखा है, कोविड से एक सवाल पूछा गया था, बच्चों का कहना था कि शायद कोविड कमेटी पूछा गया था। तो कोविड कमेटी ध्यान रखिएगा वो बनाई गई थी, इसको केवी कामत नाम से, केवी कामत बनाई गई थी कमेटी कोविड से जो जो गलत बातें फैला जा रही हैं उसको सही करने के लिए, उस भ्रामक शब्दों को, भ्रामक न्यूज़ को ना फैला जाए उसके लिए। उसके अलावा दोस्तों अगर पूछा जाएगा कोविड का पहला केस, तो ध्यान रखिएगा केरला में आया था, जबकि पहली डेथ कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी कर्नाटका में, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। कोविड के लिए अगर पूछा जाएगा प्लाज्मा बैंक कहाँ बनाया गया भाई? तो कोविड के लिए प्लाज्मा बैंक बनाया गया आपका जो है कि दिल्ली में। और अगर पूछा जाएगा कि कोविड के लिए अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पे मेमोरियल बनाया जाएगा, तो वो बनाया जाएगा आपका जो भी कोविड में जो जिन लोगों की डेथ हुई उसके लिए, वो उड़ीसा में बनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है मे बी आने वाले सेशंस में। किस फुटबॉल खिलाड़ी को 2020 में प्रतिबंधित किया गया था? देखिए ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मे बी डील हो सकता है, ऑप्शंस नहीं बताया बच्चों ने, तो खैर ये क्वेश्चन इस तरीके का भी पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था फीफा विश्व कप 2019 किसने जीता? तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूँ। देखिए फीफा विश्व कप 2019 जो हुआ था वो फीमेल हुआ था, ठीक है, फीमेल हुआ था। तो अगर फीमेल दिया गया होगा तो वो जीता है आपका यूएसए ने, वो जीता है यूएसए ने। किसको हरा के? तो यूएसए ने नीदरलैंड को हरा करके, यूएसए ने नीदरलैंड को हरा के फीमेल वाला ध्यान रखिएगा जीत लिया था, जो कि हो कहाँ पे रहा था? तो वो फ्रांस में हो रहा था। वो कहाँ पे हो रहा था? फ्रांस में। वहीं अगर पूछा जाता फीफा विश्व कप 2018, 2018 में क्या हुआ था? वो हुआ था मेल, ठीक है, वो किसने जीता था? तो वो जीता था भाई फ्रांस ने। किसको हराया था फ्रांस ने? तो फ्रांस ने हराया था क्रोएशिया को, क्रोएशिया को हरा करके फ्रांस ने जीत लिया था, ये ध्यान रखिएगा। और वो हो कहाँ पे रहा था? तो वो हो रहा था रशिया में। तो कंफ्यूजन आई थिंक क्लियर हो गई होगी। फीफा विश्व कप 2019 पूछा गया होगा, तो ऑप्शन में अगर यूएसए दिया होगा तो यूएसए ने जीता नीदरलैंड को हरा करके, और ये फीमेल टूर्नामेंट था यानी ये महिला विश्व कप था। और फीफा 2018 अगर पूछा गया होगा तो वो मेल था, जो कि आपका रशिया में हुआ था, जीता था फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा करके। आईएमएफ पूछा जाएगा दोस्तों, आईएमएफ के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टियाना जॉर्जीवा। आईएमएफ में अगर चीफ इकोनॉमिस्ट पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी आप जो पूछा जाएगा तो उनका नाम हो जाएगा गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ जी हमारी जो है कि वो कौन है? तो वो चीफ इकोनॉमिस्ट है यानी मुख्य अर्थशास्त्री है। वहीं अगर पूछा जाएगा आईएमएफ का इंडिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन हो जाएगा, इंडिया हेड कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएंगे सुरजीत भल्ला। ध्यान रखिएगा सुरजीत भल्ला कौन हो जाएंगे? तो आईएमएफ के इंडिया हेड हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। 1945 पूछा जाएगा तो एस्टैब्लिशमेंट और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 में नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, ऑप्शन में इंडिया भी था। उसके अलावा परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो वो होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। बार्क, ठीक है, इंस्टीट्यूट का एस्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का एस्टैब्लिशमेंट किसने किया था? तो वो भी इन्होंने ही किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बार्क एस्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1954 में हुई थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और कहाँ पे हुई थी? तो हुई थी ट्रांबे महाराष्ट्र में, ये सब मैंने आपको बता रखा है, ट्रांबे महाराष्ट्र में। करंट में बाकी हेड कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे अजित कुमार मोहंती, ठीक है। उसके अलावा आवर्त सारणी में पहला तत्व तो पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन केमिस्ट्री से चले, तो वो क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन, सबको पता है एटॉमिक नंबर 1, आई थिंक सबको ही पता होगा, ठीक है। और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में दौड़ स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया था? तो दूती चंद, ये भी ध्यान रखिएगा, ये आंसर मैं लिख देता हूँ, वो कौन हो जाएंगी? दूती चंद ने जीता था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 किस सॉरी 2019 किसने जीता? तो वो जीता PV सिंधु ने। जो अगर पूछा जाएगा किसने जीता था, तो वो जीता था PV सिंधु ने। फीमेल और मेल पूछा जाएगा तो केंटो मोमोटो ने जीता था, ये ध्यान रखिएगा, केंटो मोमोटो ने जीता था अगर मेल पूछा जाएगा तो। ये भी इजी क्वेश्चन और पूछा भी गया था। और पूछा जाएगा BWF का IM बैडमिंटन कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो वो बनाया गया PV सिंधु को ही। ये PV सिंधु कर लीजिएगा भाई, इंग्लिश में कन्वर्ट करके इसको इंडस कर दिया गया। उसके अलावा दोस्तों PV सिंधु जो है वो वीजा कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर है, ध्यान रखिएगा। CRPF की भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? PV सिंधु है। उसके अलावा पूछा जाएगा करप्शन हेल्पलाइन नंबर का भी किसको बनाया गया है? तो वो भी PV सिंधु को ही बनाया गया। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी की स्कीम है जो भारत की लक्ष्मी स्कीम का भी किसे बनाया गया है? तो वो भी PV सिंधु को ही बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति किसने कहा था? तो
तो वो कहा था बी डी सावरकर ने, ध्यान रखिएगा वो किसने कहा था, बी डी सावरकर ने। ये भी बड़ा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि विश्व हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, तो देखिए 10 जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं, जबकि नेशनल पूछा जाता तो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और वर्ल्ड हिंदी डे अगर पूछा जाएगा तो वो सेलिब्रेट करते हैं हम 10 जनवरी को, ठीक है। उसके अलावा पूछा गया दोस्तों प्रसाद योजना से एक प्रश्न, प्रसाद योजना से संबंधित प्रश्न, तो देखिए पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना शुरू करा था जिसका उद्देश्य धार्मिक और जितने भी धार्मिक अनुभव जितनी स्पेशलिटी है उसको प्राथमिकता देने के लिए। देखिए प्रसाद का फुल फॉर्म पूछा जाता है जा सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पिलग्रिमेज, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर से क्या हो जाएगा, रीजेनरेशन, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और आपका ए से हो जाएगा एंड, एस से क्या हो जाएगा, स्पिरिचुअलिटी, मैं लिख देता हूं यहां पे, एस से क्या हो जाएगा, स्पिरिचुअलिटी, ये आपको पूछा जा सकता है। और क्या बचा भाई आपका, ए बचा, ए से हो जाएगा एग्यूमेंटेशन, ठीक है, एग्यूमेंटेशन। और उसके अलावा डी से क्या हो जाएगा, ड्राइव, यानी बेसिकली फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, प्री ग्रिमरेज रीजनरेशन एंड स्पिरिचुअलिटी एग्यूमेंटेशन ड्राइव, ये प्रसाद का फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। बेसिकली चलाया गया पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना शुरू कर दी जिसका उद्देश्य मेन उद्देश्य क्या था, धार्मिक तथा धार्मिक अनुभव प्रदान करने के लिए प्राथमिकता, स्थायी तरीके से तीर्थ स्थलों को एकत्रित विकास को बढ़ावा देने के लिए। हमारे करंट में पूछा जाएगा कि हमारे टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, वर्तमान में अगर आपको टूरिज्म मिनिस्टर पूछा जाता है तो जो टूरिज्म मिनिस्टर है वही हमारे कल्चरल मिनिस्टर भी है, यानी जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं वही हमारे संस्कृत मंत्री भी, सांस्कृतिक मंत्री भी हैं, वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे प्रहलाद पटेल, ध्यान रखिएगा कौन हो जाएंगे, प्रहलाद पटेल, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मंत्रालय आपको पूछा जा सकता है। दोस्तों अभी क्वेश्चन और भी सारे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखिए पर डे मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज प्रेजेंट करता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिव्यूज आपको पूछे ही जाने, ठीक है, ये पूछे ही जाने जिससे संबंधित जो भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपको कि पैराडॉक्सिकल पीएम जो है किसकी किताब है, तो वेरी इजी, शशि थरूर की किताब है। इसी तरह आपका एक्सीडेंटल पीएम है, एक्सीडेंटल पीएम पूछा जाता है तो वो किसकी किताब हो जाती, वो हो जाती संजय बारू की किताब, किसकी हो जाती, संजय बारू की, वो हो जाती एक्सीडेंटल पीएम। जबकि पैराडॉक्सिकल पीएम किसकी किताब है, शशि थरूर, शशि थरूर की सारी किताबें मैंने बताई थी, पैराडॉक्सिकल पीएम बताई थी, एरा ऑफ डार्कनेस भी बताई थी मैंने, एरा ऑफ डार्कनेस किसकी किताब है, वो भी हो जाएगी इन्हीं की हो जाएगी। केलास ऑवेन गॉड पूछा जाएगा तो वो किसकी किताब हो जाएगी, वो भी इन्हीं की हो जाएगी। अगर पूछा जाएगा अभी इनकी नई किताब आई है बैटल ऑफ बिलोंगिंग, बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसकी किताब हो जाएगी भाई, तो वो भी इन्हीं की किताब हो जाएगी जो इनकी नई किताब आई है, ये भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, ये सारे ध्यान रखिएगा जो कि आपको क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपको कि शैवाल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो शैवाल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। कुछ क्वेश्चन जो इसमें मेंशन नहीं है वो भी मैं बता देता हूं, फाइकोलॉजी क्या होते हैं भाई, वो शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा दुती चंद, मैंने आपको बता ही दिया जो पूछा गया था आपको, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि भारत में नदियों को कितने भागों में बांटा गया, तो ये चार भागों में, ये फोर ग्रुप कर लीजिएगा, चार भागों में बांटा गया इसको, जैसे भारत की नदियों में चार समूह में विभाजित किया जाता है, हिमालयन रिवर हो गई, हिमालयन नदियां हो गई, प्रायद्वीपीय नदियां हो गई, तटवर्ती नदियां हो गई और अंतरस्थलीय नदियां हो गई, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था। तो दोस्तों आज इतने क्वेश्चन हमें मिले, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए और ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए प्लस एक्स्ट्रा डिटेल्स में जो मैंने आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स दिए वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड शिफ्ट का जो आपका जो क्वेश्चन है वो जैसे ही मुझे मिलता है उसका उसको भी मैं रात तक अपलोड कर दूंगा, मे बी नोटिफिकेशन आ जाए तो बेल टैप जो है आप प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको अगर नोटिफिकेशन मे भी जाए तो ठीक है, अदरवाइज जो है कि आप प्रॉपर चैनल पे विजिट करते रहिए और क्लासेस का फायदा उठाते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी बेस्ड होगी आपके रिव्यूज पर, और बहुत सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है उनका भी फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।